दोनों ने बात कर ली जी और अच्छी बात की है, लेकिन विराट कोहली कभी T20 का बेहतरीन प्लेयर नहीं रहा। ठीक एवरेज है अच्छा है, स्ट्राइक रेट हम आपको मुवादना करते हैं, स्मिथ के साथ करते हैं, विलियमसन करते हैं, बाबर आजम करते हैं, रूट करते हैं, ये दुनिया के। विराट कोहली ने जो है 100 कर लिए, और नवंबर 2019 के बाद उनका ये पहला 100 इन एनी फॉर्मेट, सो इट्स बीन नियरली 3 इयर्स इन द वेटिंग। लेकिन क्या इनिंग्स खेली है भाई कोहली साहब ने आज, मजा आ गया उनके इनिंग्स देखकर। क्योंकि इसमें क्या डिस्कस करेंगे, विराट कोहली के रन हैं और भुवनेश्वर कुमार के 5 विकेट हैं, वो देख बस लेते हैं। बस यही है, फायदा क्या हुआ ना, पॉइंट तो नहीं मिले। नहीं मैं ये कह रहा हूँ इंटेंट किधर देखो, था इसमें। हेडलेस है, हेड नहीं है ना आज के, आज तो प्रेशर था ही नहीं, दिमाग की जरूरत ही नहीं है, जैसा मर्जी खेलो, फ्रेंडली गेम है। तो ये इतनी फ्रेंडली हम बाहर हो जाते हम भी फ्रेंडली खेलते नहीं, हम फिर भी फ्रेंडली नहीं खेलते, हम कोशिश करते हैं। मतलब ये तो ऐसे लग रहा था जैसे अफगानी चाहते हैं कि इंडियंस के रिकॉर्ड्स बनवाए जाएं। देख के मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मुझे मिली है, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज फ्रॉम द कैप्टन, फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टीम राशिद, कि वो अपने छोटा सा क्लिप देखा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने राशिद लतीफ के 2 वीडियो लगाए हैं, जिसमें पहले बोल रहा है बंदा कि किस तरीके से विराट कोहली T20 का बैट्समैन नहीं है, और सेकंड में आप देख सकते हैं कि यार बड़ा ही मतलब दोगले टाइप का है। आगे आप वीडियो पूरा देखेंगे कि तारीफ भी कर रहा है और दबे लफ्जों में बोल रहा है कि यार ये मैच नहीं था, मिस मैच था, मतलब बॉडी लैंग्वेज सही नहीं थी अफगानियों की, इस तरीके की बातें हो रही हैं। हालांकि विराट कोहली ने जो परफॉर्मेंस दी है, मतलब मुझे थोड़ा सा लगा, रिलैक्स हो गया कि यार एशिया कप से टीम इंडिया बाहर हुई है, बट मुझे फिर भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं यार, क्लोज मैचेस थे, हार गए, यहाँ वहाँ होते तो शायद हम फाइनल में होते, कोई दिक्कत नहीं, टीम घटिया नहीं है, सिलेक्शन घटिया होता टीम का, इस वजह से ये हमारी हालत हुई है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब के लिए, जो हर हफ्ते 100 कर रहा हो, और एक 19 में चले जाए तो ये था कि तेंदुलकर के रिकॉर्ड ये 100 सेंचुरी कर जाएंगे वो, लेकिन इतना बड़ा ब्रेक आया। और आज जाहिर सी बात है मैच का वो टेम्परेचर भी नहीं था या वो स्टेटस भी नहीं था, लेकिन उसको यूटिलाइज अच्छा किया है उन्होंने, जिस तरह से 18 बॉल के ऊपर इनके 12 चौके और 6 छक्के का मतलब है कि आपने सारे 70% बाउंड्रीज से आपने रन किए हैं, तो शॉट जो मारे ब्रेक में मतलब के गैप में प्लेस किए हैं, और राशिद खान को भी एक्स्ट्रा कवर भी, मिड विकेट भी, अगर देखा जाए बल्ला इनका फ्लो में चल रहा है, लेकिन अभी ये नहीं कह सकते कि पूरी फॉर्म में आ गए, क्योंकि 100 के बाद नहीं कह सकते, क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, लेकिन जैसे हफीज ने पहले भी कहा था ये पाकिस्तान के खिलाफ खेले थे और बांग्लादेश के खिलाफ जब खेले या श्रीलंका के खिलाफ खेले तो रन जरूर कर रहे हैं, लेकिन विराट को वो फ्लो नहीं आया, इम्पैक्ट नहीं आया। यहाँ पे गुड लक क्या हुई, ओपन आए यहाँ पे पूरे 120 बॉल खेलने मिले, खेलने को मिले। अब एक क्वेश्चन मार्क इंडिया में डिबेट ये जरूर होगी, ये ओपन करेंगे या ये नंबर 3 पे खेलेंगे। अब आप क्या कहते हैं, ये नंबर 3 पे खेलेंगे, तो विराट को अगर देखें, रोहित शर्मा या KL राहुल, तो ये एक टीम का इनका सेट बना हुआ है, होता है ना सेट बना हुआ है, तो ये सेट बना हुआ जोड़ी है, तीन की जोड़ी है, तीन की जोड़ी है तो लेकिन देखने में मजा आया, क्या इतना ग्रेट प्लेयर जब निकल के आता है सामने उसका इंटरव्यू सुनने को। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि एडमिट करना कि मेंटली ही वाज टायर्ड, तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसमें क्रेडिट उस इंडिविजुअल को जाता है जो अपनी उस बात को मान ले, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं वो अपने आप को ब्लेम नहीं करते, अपनी एक्सेप्ट नहीं करते अपने फेलियर, उन्होंने अपना फेलियर एक्सेप्ट किया और फिर जो उन्होंने बात की कि वो वापस गए, सोचा, दोबारा रीगैदर किया। और नहीं इसमें एक चीज और जो बैकग्राउंड में हुई, जो मैं अक्सर बात करता हूँ सौरभ गांगुली, या जो पूरा तख्ता पलटा गया उसका कभी जिक्र तक नहीं किया, ये एक होती है, मैं हफीज होते तो हम तो आराम से बोल के निकल जाते, लेकिन क्या है अभी तक उसने कोई कोई मैंने भी बहुत सी बातें नहीं बोली। इसमें इसमें एक चीज मैं राशिद भाई ऐड करना चाहूंगी कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन एक अजीम प्लेयर से एक अजीम इंसान की तरफ नजर आती है, एक ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज थी जो आप इनिशियली विराट कोहली के साथ लगाते नहीं थे, पर वो इस सारे एक्सपीरियंस से उनके अंदर वो नजर आ रही है, और आई थिंक ये जो है वो आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान भी बना देती है। ऑब्वियसली पहले भी बहुत अच्छे इंसान भी थे, लीडर भी थे, बट आई थिंक ये जो सारा प्रोसेस से ये गुजरे हैं, जो इनर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी नजर आ रही है उनकी बातचीत से, ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है किसी प्लेयर के लिए, और आई थिंक ये मजीद और पता नहीं कहाँ ऊपर जाएंगे, पर जिस ऊंचाई को इन्होंने देखा है ये उससे भी ऊपर जा सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्योंकि विराट के साथ टाइम गुजरा है, तो ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन ऑलवेज,
क्योंकि लोगों को लगता है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट शो करता है ग्राउंड में, ये उनके खेलने का पैशन है। वो सिर्फ फील्डिंग में करता है, जो भी करते हैं वो एक पैशन है जो ग्राउंड के अंदर है। लेकिन मैंने जब भी विराट को देखा, हमें उन्होंने बहुत इज्जत दी है, जब भी मिले हैं बड़ी मोहब्बत और प्यार से मिला है। इसीलिए ऐसे प्लेयर को जब वो एक सुपरस्टार बनता है तो आपके दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं, या आप उसके लिए अच्छा सोचते हो कि यार वो जहां पे भी जाए कामयाब हो, क्योंकि एक तो वो प्लेयर बहुत बड़ा है और दूसरा वो जैसे विश्रा ने बात की कि अब उसकी बातों से भी वो झलक रहा है कि ही इज बिकमिंग मोर हम्बल, और वो हर एक चीज के साथ अपना नसीब या अपनी मेहनत के साथ साथ वो ऊपर वाले की जो एक रहमत की बात करता है, दैट इज समथिंग वेरी स्पेशल टू करना तो ऊपर वाले नहीं। और ये बात तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि वही दरख्त झुका हुआ होता है जिसके ऊपर फल लगता है। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब वापस आते हैं फिर केएल राहुल के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सवाल रहेगा, ये सवाल रहेगा कि क्या विराट को ओपन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिबेट तो शुरू हो चुकी है। गेम ऑन है, डोंट कम बैक वंस अगेन फॉर एवरीबॉडी हू स्टिल ट्यून्ड इन। ऑब्वियसली इट वाज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान वेयर इंडिया वन इन अ वेरी डोमिनेंट फैशन, इट वाज डेड रबर, एवरीबॉडी न्यू इट। लेकिन कुछ चीजें मैं अपने तीनों सुपरस्टार्स के सामने रखना चाहता हूं। ऑब्वियसली जब हम इंडिया की पहले बल्लेबाजी करते हैं, बात करते हैं, तो पहले 6 ओवर्स में इनके 52 8.6 का रन रेट, फिर 6-6 से 10वें ओवर की बात करते हैं 87 8.7 का रन रेट रहा, फिर 10 से 15 में 134 दो विकेटों के नुकसान पर 8.93, 15 से 20 ओवर की बात करते हैं तो 212 दो विकेटों के नुकसान पर, विच इज क्वाइट लॉट, हाईएस्ट एवर अभी के एशिया कप की अगर हम बात करें। अफगानिस्तान की तरफ बढ़ते हैं तो पहले 6 ओवर्स में 21 रन बना के 5 विकेटें दी उन्होंने, फिर अब आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने 34 रन बनाए टोटल, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 63-7 विकेटों के नुकसान पर, 111 8 विकेटों के नुकसान पर। राशि भाई, ये खुला तजाद है, ये क्या है, ये बताएं यार प्लीज, मतलब कोई इंटेंट, कोई गेम कहीं से किसी पहलू से नजर तो आना चाहिए था क्या? आप देखते हैं सिर्फ बैटिंग देखें अगर अफगानिस्तान इंडिया की तो आपको झलक नजर आएगी क्लासिक शॉट बिल्कुल, फिर बॉलिंग देखें स्विंग बॉलिंग का आपको जबरदस्त बॉलिंग मिली, और साथ में उनको नहीं पता था कि हमारे के एल राहुल यार यूजलेस है ना अभी, तो अभी क्या जब करने तो नहीं किए ना, तो अब देख लें ये मैं सुनना चाह रहा था, थैंक यू वेरी मच। ये तो पहले भी बोला है ना जी, इवन अच्छे प्लेयर है लेकिन टाइम पे नहीं कर पाए। तो ये आज ऐसा मैच लगा जो असर से मगर हम नहीं खेलते थे बेमकसद, वो था बेमकसद तो नहीं था लेकिन जान नहीं थी मैच में, लेकिन जान नहीं थी मैच में, देखिए था तो इंटरनेशनल मैच, और पहले भी जब हमने विराट कोहली की जरा स्क्रैची इनिंग्स देखी तो हम कह रहे थे अच्छी नहीं है, बट वो बेसिकली मकसद बना, फाउंडेशन बनी इस इनिंग्स के लिए, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑब्वियसली इंडिया यहां से लेके जाएगा। जिस तरह की बैटिंग क्या लेके जाएगा, चले इंडिया के लिए तो पॉजिटिव होंगे, बांग्लादेश को बाहर किया। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर बात हो रही है विराट कोहली के बारे में, भुवनेश्वर कुमार के बारे में, और इंडिया अफगानिस्तान का जो मैच हुआ है। हालांकि इस बात से लेकर मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि अफगानिस्तान की टीम को शारजहाँ से आप समझ रहे हैं कि दुबई का ट्रैवलिंग टाइम 3 घंटे का होता है, 18 घंटे का वक्त मिला, नींद ली होगी इन्होंने और सीधे शायद सुबह आ गए होंगे, सोए कैसे होंगे यार। एक तो पाकिस्तान के साथ एक तो इनका मैच होता है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनको हरा के हम पागल हो जाएं, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान की हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री से भी ज़्यादा खतरनाक है। सिंस 1947 के बाद जब से ड्यूरेंट लाइन के इशू को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम है, उसके बाद रशिया था, रशिया को लेकर जो यहाँ पर जिहाद फैलाया, हालांकि कई पाकिस्तानी कमेंट करेंगे रशिया आया था उन्हें भगाने में, हमने मदद की नहीं तो तुम तो भगा ही ना पाते। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि वो ना भगा पाते, ये फालतू की बात है। तुमने जाकर बस जहर फैलाया, जिहाद फैलाया, इस्लाम के नाम पर हथियार दिया, यही सब किया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है रशिया गया तो यूएसएसआर के जाने के बाद यूएस आ गया, यूएस के खिलाफ इन्होंने तालिबान बना दिया, यूएस से भी पैसे लिए अफगानिस्तान में लड़ने के लिए, तालिबान से भी पैसे लिए और तालिबान को भी सपोर्ट किया। ये सब डबल गेम पाकिस्तान खेलता रहा। लोगों का क्या हुआ, वहाँ के जो नॉर्मल लोग थे, आम आदमी थे, चक्की बन गए, पिस गए बेचारे, सिविल वॉर में पिस गए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था।
जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, जो पश्तून बोलते थे वो पाकिस्तान में आकर शिफ्ट हो गए, हालांकि वो जिस एरिया में शिफ्ट हुए उस एरिया को अफगानिस्तान क्लेम करता है कि वो उनका ही है, ये ड्यूरल लाइन तो वो मानते ही नहीं है, इस तरीके की तो वो बातें करते हैं, तो आप समझ जाएं कि वो अपने एरिया में आए हैं बस, वहाँ पे जहाँ पे शांति थी पेशावर, वो तो बोलते हैं कटक से तुम्हारा पाकिस्तान स्टार्ट है, इस तरीके की बात वो करते हैं। तो आप समझें अफगानिस्तान के लोग, अफगानी लोग बेचारे पाकिस्तान में किस हालात में, आपको पता है बेचारे कचड़ा बीन रहे हैं, या तो कराची में, हर शहर में है, ऑब्वियसली कलर उनका फेयर रहता है। पाकिस्तान को एक तो पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी मुस्लिम को कलर कॉम्प्लेक्स का बहुत बहुत इनको शौक रहता है, लेकिन वो कलर कॉम्प्लेक्स जो है, कलर अगर वहाँ का लोगों का गोरा है तो बेसिकली वो अफगानिस्तान के लोग बिल्कुल प्रॉपर वाइट देखेंगे, फिर पंजाब में आपको पता है कि जैसा इंडिया का है मतलब मिक्स मिलेंगे, कराची में ऑब्वियसली यूपी बिहार सीपी के लोग गए हैं तो फिर डाउन ही मिलेंगे, तो इस तरीके का सीन चलता है। भारत में आपको भी पता है मिक्स ही मिलते हैं यार, ऐसा नहीं रहता है कि बहुत ज़्यादा गोरे भी मिलेंगे जो पहाड़ी इलाकों के हैं, जैसे अफगानिस्तान ऑब्वियसली हिमालय की पट्टी से टच करता हुआ वो एक एरिया है, वहाँ पर एंड होता है, बर्फबारी होती है, तो वहाँ के लोग ज़्यादा कुछ फेयर रहते हैं। तो यार अब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन पाकिस्तानी आपको पता है ये बहुत ज़्यादा मतलब इंडिया को टारगेट करते हैं, हालांकि ये टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है। बात हो रही है राशिद लतीफ़ के कॉमेंट पर, राशिद लतीफ़ यार मैं दोगला यार, ये कितना बड़ा दोगला यार, कुछ बोल देता कि विराट कोहली T20 के प्लेयर नहीं है, 200 के स्ट्राइक रेट से वो सेंचुरी मार रहे हैं और पहले बोलता है विराट कोहली T20 के प्लेयर नहीं है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी